केंद्र सरकार में मानव संसाधन मंत्री माननीय श्री प्रकाश जावड़ेकर जी, भारतीय शिक्षण मंडल के अखिल भारतीय सह संगठन मंत्री माननीय श्री मुकुल जी, शिक्षाविद और देश में जाने माने शिक्षाविद श्रीमान जेएस राजपूत जी, शैलेंद्र सेंगर जी, भारत नीति और भारतीय शिक्षण मंडल के सभी पदाधिकारी और यहाँ पर उपस्थित गणमान्य सज्जन भाइयों और बहनों, वैसे यह पहला अवसर है कि प्रकाश जी मानव संसाधन मंत्री बनने के बाद शिक्षा नीति के संदर्भ में इस प्रकार के एक बहुत बड़ा परिचर्चा का कार्यक्रम हो रहा है और दिल्ली में हो रहा है, और दिल्ली में भी ऐसे केंद्र में हो रहा है जहां होने पर देश के सभी लोग मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से सब लोग ध्यान लगा के सुनते हैं। और वैसे प्रकाश जी इस सरकार के परिवर्तन के बाद सबसे बड़ी जिम्मेवारी लेकर हम सबके बीच में है, इसलिए मैं चाहूँगा कि यहाँ बैठे हुए लोग, जैसे मुकुल जी ने बताया, राजपूत जी ने भी बताया, यहाँ बैठे हुए लोग और यहाँ जो उपस्थित मीडिया है उनके माध्यम से देश भर के लोग सुनना चाहते हैं प्रकाश जी देश के शिक्षा नीति के संदर्भ में क्या सोचते हैं और क्या विचार करते हैं। इसलिए जिसको मैं कहूँगा कि मैन ऑफ द प्रोग्राम, मैन ऑफ द डे, आज हमारे बीच में प्रकाश जी हैं। और दूसरा, अनुभव के आधार पर देश में मैं कहूँगा कि जैसे जेएस राजपूत जी ने कहा, फॉर द एजुकेशनल पॉलिसी मेकिंग एस्टेब्लिशमेंट फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स, कि जो गत 20-30 वर्षों से या उससे भी ज़्यादा आप मान सकते हैं, लेकिन विशेषकर मैं किसी बात को ध्यान में रखकर कह रहा हूँ कि गत 20-30 वर्षों से शिक्षा नीतियों के निर्धारण करने वाले जो व्यवस्था है, वह व्यवस्था जेएस राजपूत जी को फ्रीडम फाइटर बनाया है। क्योंकि मैं फ्रीडम फाइटर इसलिए कह रहा हूँ कि अनफिनिश्ड एजेंडा जो फ्रीडम फाइटर्स ने जिस उद्देश्य को लेकर के आंदोलन चलाया था, जिन मूल्यों को लेकर आंदोलन चलाया था, उन सारे मूल्यों को इस देश में शिक्षा नीतियों में बदलने में कुछ रोका टोकी और कुछ अवरोध, ये सब चीज़ें हुए, और इसलिए कॉलोनियल हैंगओवर से अभी भी मुक्त नहीं होना चाहते हैं। तो द वर्ल्ड व्यू एंड द पॉलिसीज एंड द पर्सपेक्टिव्स ऑफ द कॉलोनियल पीरियड, दे कुड नॉट बिकम फ्री फ्रॉम दैट, दे वॉन्टेड टू कंटिन्यू। देन वाई वॉज द फाइट ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स, कि वॉट वॉज द फ्रीडम मूवमेंट फॉर। तो इसी बात को और आगे बढ़ाते हुए जयस राजपूत जी लड़ते हैं, इसलिए हम जानते हैं, और उसी का कुछ जब करते हैं तो नाम अलग अलग होता है, तो उसमें सेफरनाइजेशन भी एक नाम है, लेकिन मैं उसमें बहुत नहीं जा रहा हूँ। तो मैं कुछ बातें जो अभी तक आए हैं और नहीं आए हैं, उनमें से कुछ बातों संक्षिप्त समय में आपके सामने रखना चाहता हूँ। देखिए, हमारा देश विविधतापूर्ण देश है, और इस विविधता को हम सच्चाई का एक महत्वपूर्ण पक्ष मानते हैं। सत्य है, और सत्य अनेक रूपों से है और अनेक रूपों से उसकी अभिव्यक्त होता है, लेकिन सत्य एक ही है, इस बात को हम कहते हैं। और इसी बात को हम भाषाओं की विविधता में भी देखते हैं, इसी बात को हम संप्रदायों की विविधता में भी देखते हैं, और इसी बात को हम अनेक अनेक जो विविधता है उसके रूप में देखते हैं। इफ वी चेरिश द डाइवर्सिटी,
then we must have a education policy to nurture and accept, not only accept, to nurture this diversity with the feeling of oneness. So, मान लीजिए कोई एक्सक्लूसिविस्ट रिलीजन इस देश में नहीं चल सकता, कोई एक्सक्लूसिविस्ट रिलीजन रहना चाहिए ऐसा सोचने वाले लोग इस देश में हमारे नवभारत निर्माण के लिए जो स्वतंत्रता सेनानियों ने जिस प्रकार से जिन मूल्यों को लेकर लड़ाई किए और जिसके आधार पर इस देश के संविधान निर्माण किया और जिस आधार पर संसद का निर्माण किया और जिस आधार पर लोकतंत्रीय व्यवस्था का निर्माण किया, वो सब द्योतक हैं कि इस देश में एक्सक्लूसिविस्ट रिलीजियस थिंकिंग के लिए कोई जगह नहीं है, सब साथ जीना है और सब साथ रहना है, इस बात को हमें मानने वाला एजुकेशन पॉलिसी चाहिए और इसके खिलाफ जाने वाला कोई एजुकेशन पॉलिसी नहीं चल सकता और इस बात को हमें देखना चाहिए। दूसरी एक बात मैं कहूंगा कि भाषाओं की विविधता विषय में संस्कृत तो समाप्त हुआ दिखाई देता है, बीज रूप में बचा है इधर उधर, उसको रिवाइव करना है। अनलेस वी रिवाइव संस्कृत वी कैन नॉट कनेक्ट विद द नॉलेज ट्रेजर हाउस विच हैज बीन देयर फॉर द लास्ट 10,000 और 7,000 ईयर्स इन दिस कंट्री। तो वो तो होना चाहिए, लेकिन मैं कहना चाहूंगा गवर्नमेंट इन ए वे एंड समटाइम्स प्राइवेट डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली मे बी बिकॉज ऑफ शॉर्ट टर्म नीड्स एंड डिमांड्स कि हमारे जो भाषाएं हैं उन भाषाओं की विविधता और सबल रूप से रहे, आगे बढ़े, उसको प्रोत्साहन ना करने वाला और धीरे धीरे उसको समाप्त करने वाले शिक्षा नीति हमारे देश में नहीं चल सकता। आप कल्पना करें, मैं अभी तेलुगु प्रांत से आता हूँ तो कुछ वर्षों से ऐसा हुआ तेलुगु प्रांत में अब बच्चे तेलुगु बोलने वाले तो समाज से तो रहेंगे ही, लेकिन अच्छे लिख नहीं सकते हैं और अच्छे बोल नहीं सकते। तो यानी कुछ सालों के बाद अगर ऐसे सैकड़ों साल 200 साल चलेंगे तो क्या ऐसा होगा कि तेलुगु लिख नहीं सकते अच्छे? ऐसे बच्चों को यानी ऐसे देश निर्माण करेंगे, तेलुगु तो रहेगा लेकिन टूटी फूटी बोलते हैं और लिखने वाला कोई है ही नहीं और तेलुगु पुस्तक पढ़ने लायक कोई ना हो, तो ऐसे तेलुगु ओडिया बंगाली, ये देश स्वतंत्र भारत का नहीं हो सकता। इसलिए स्वतंत्र भारत में शिक्षा नीति में भाषाओं के विषय में ये होना चाहिए। इसके मैं और एक बात कहना चाहूँगा, अंग्रेजी वर्ल्ड ग्लोबल अट्रैक्टिव यानी अट्रैक्शन मुझे नहीं लगता कोई 50 साल के बाद रहने वाला है कि देखिए देश में इंग्लिश अंग्रेजी इसलिए करते हैं क्योंकि वर्ल्ड में सरप्लस मार्केट्स अंग्रेजी के हैं, यानी यूरोप में इंग्लैंड हो और अमेरिका हो कि भाई हमारे लोग सरप्लस मार्केट्स में जाना है, बेचना है, लेना है, नौकरी करना है, इसीलिए आने वाले दिनों में आमदनी कमाने वाला नौकरी अंग्रेजी बोलने से मिलेगा, इससे बना। लेकिन मुझे नहीं लगता आने वाला 30 साल के बाद भी अंग्रेजी लोगों के पास सरप्लस मार्केट रहेगा और सरप्लस बाजार रहेगा। इसलिए शिक्षा नीति आने वाले 10 साल की मार्केट के आधार पर नहीं चल सकता। इसलिए विश्व में भारतीय भाषाओं के बारे में सोचते समय और अंग्रेजी के बारे में सोचते समय, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आदर्श की स्थिति, व्यवहारिक स्थिति में भी ये नहीं चल सकता, इसलिए ये बात मैं कहना चाहूँगा। तीसरी बात मैं कहूँगा जो आप लोग सब जानते हैं कि डेमोग्राफिक डिविडेंड की बहुत बात होती है। हमारे पॉपुलेशन देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में अभी पैरामीटर्स में 50% तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लेकिन 50% एक फैक्टर है ह्यूमन पॉपुलेशन, यानी ह्यूमन जो आबादी है, यानी मानव जो आबादी है, ये आबादी बढ़ने पर लेबर शक्ति बढ़ती है, लेबर शक्ति बढ़ती है तो उत्पादन बढ़ता है, उत्पादन बढ़ता है तो ग्रोथ रेट बढ़ती है, ये सामान्य फार्मूला है। इसमें कुछ और एडिशनल बातें हैं कि उत्पादन करने वालों की शिक्षा के स्तर बढ़ने से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, ये तो नेक्स्ट इश्यू है, लेकिन प्राइमरी इश्यू पॉपुलेशन इज द बेसिस ऑफ द प्रोडक्शन। तो ऐसे में अपने देश में जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वर्किंग एज पॉपुलेशन 2020 तक हमारा एवरेज एज ही 29 ईयर्स बनने वाला है और चीन और जापान इन सब के मुकाबले में हमें लंबे समय तक ये वर्किंग एज पॉपुलेशन रहेगा, तो ऐसे में हमारे
शिक्षा के संबंध में आने वाले दिनों में सबसे बड़ा डिमांड प्रकाश जी के सामने और सरकार के सामने और राज्य सरकारों के सामने, जो अभी राजपूत जी ने कहा कि हमने 75% लिटरेसी और वुमन आबादी जब बढ़ रही है और इसके बावजूद हम शिक्षा को संख्या को बढ़ा दिया है, तो ये आने वाले दिनों में और एक चुनौती हमारे सामने बढ़ने जा रही है। तो शिक्षा की विस्तार बढ़ाना और शिक्षा के गुणवत्ता को बढ़ाना और शिक्षा में टेक्निकल एजुकेशन के जो रेशियो है वो हमारे देश में सबसे कम है, उसको बढ़ाना, यानी टेक्निकल एजुकेशन बढ़ाना, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बढ़ाना और शिक्षा के जो विस्तार है वो बढ़ाना। और ऐसे में आज हमारे सबसे ज़्यादा जो स्कूल ड्रॉपआउट्स है वो बहुत ज़्यादा है और हमारे प्राइमरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन के बीच में ज़बरदस्त गैप है। तो इन सारे चुनौतियों को हमारे शिक्षा मंत्री और भारत सरकार, इसको सामना करना पड़ेगा और उसको उचित रास्ता निकालना पड़ेगा, तभी जा कर के भारत विश्व के अंदर जो उपलब्ध व्यवस्था है, विश्व गुरु का तो एक कहने का तरीका है, लेकिन विश्व के अंदर वर्ल्ड मार्केट जिसको आप कहेंगे, मैं बाजार को उस अर्थ में नहीं लेकिन अवसर, उन अवसरों को उपयोग करना है। इवन वी विल बी एबल टू प्रोवाइड टीचर्स टू द होल वर्ल्ड, तो हमारे टीचर्स की संख्या भारत को पूर्ति करना और विश्व की आपूर्ति करना, इतनी हमारे पास, क्योंकि शिक्षक बनने का जो नेचुरल टैलेंट अगर किसी देश में है वो सबसे ज़्यादा भारत में है। वी हैव टू आइडेंटिफाई, वी हैव टू एक्सेप्ट दिस कि विश्व के अंदर शिक्षक बनने की नेचुरल टैलेंट ऐसे कम्युनिटीज, ऐसे ग्रुप्स, ऐसे इंडिविजुअल सबसे ज़्यादा है तो भारत में है। तो मेरा मानना है इन सारे बातों को न केवल देश के अंदर चुनौती उसको समाधान करना, विश्व के अवसर को भी हमें उपयोग करने लायक बनाना, ये एक सबसे बड़ी चुनौती है मैं आपके सामने और रखना चाहता हूँ। और एक बात आया कि मैं, डॉक्टर जोशी जी एचआरडी मिनिस्टर थे तो एक बात आती थी, उस समय मैं स्वदेशी आंदोलन में था, तो मैं चाहता हूँ उसका क्या रूप देना है, जेएस राजपूत जी भी अध्ययन किए होंगे। देखिए, इस देश में सर्टिफिकेट प्राप्त लोगों को ही शिक्षक माना जाता है। भारत के पारंपरिक जो विद्या है उसका सालों साल जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला रहे हैं, जैसे गोल्ड स्मिथ कहाँ से बनता है, किस आईटीआई में बन रहा है, ब्लैक स्मिथ कहाँ से बन रहा है और इस प्रकार के कारपेंटर कहाँ से बनता है, तो इन सारे लोगों में जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट का एक सिस्टम है, वैसे इन लोगों को भी कुछ ग्रेडिंग करते हुए उनको शिक्षक माना जाए। आप परीक्षा करने का कोई व्यवस्था करो ताकि वो लोग अपने वो रिकॉग्नाइज होंगे। वो जब तक रिकॉग्नाइज नहीं होंगे तो देखिए, समाज में जो विद्या है, जो शिक्षा है, वो परंपरागत हजारों सालों से जो विद्यमान है, ये 1947 के बाद उसको हम नहीं मानेंगे। मुझे समझ आता नहीं है कि ये उसको हम नहीं मानेंगे, ये कौन सी चीज़ है। यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपने कोर्स कर दिया और वो तो आपने मान लेंगे और उनको आप नहीं मानेंगे। वो सालों से सालों तक अभी तक पीढ़ी दर पीढ़ी कारपेंटर तो बना रहे हैं और कारपेंटर्स वहीं से निकल रहे हैं और ब्लैकस्मिथ वहीं से निकल रहे हैं, गोल्डस्मिथ वहीं से निकल रहे हैं, पोर्टर वहीं से निकल रहे हैं और ये सारे जो लोग हैं इनको सर्टिफाई करने की कोई परंपरा हमारे शिक्षा नीति में आने पर, जो बहुत बड़ा वर्ग इस देश में ऑलरेडी ने, उनको आप करेंगे तो और उसको लिटरेसी के साथ लिंक करेंगे तो ज़रूर इस देश की इंडेक्स में बहुत बदलाव आएगा। नहीं तो इंडेक्स को हम इस प्रकार से सोचेंगे तो मुझे लगता है वो गलत होगा। और एक अंत में बात मैं कहूँगा कि अपने देश में ये उद्यमियों का देश है, इतने उद्यमी विश्व में और किसी देश में नहीं है। आने वाले दिनों में इन उद्यमियों का संख्या और बढ़ने वाला है। शिक्षा और उद्यमिता को हम कैसे लिंक कर सकते हैं, इस विषय में मैं आईआईटीज और इंक्यूबेटर्स और इंक्यूबेशन ये केवल वहीं तक सीमित रखेंगे तो हम वी विल नॉट बी एबल टू कैप्चर दिस एंटरप्रेन्योरशिप।
तो मुझे लगता है इस बात को भी हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। और अंत में एक बात आया, प्राइवेट एजुकेशन और पब्लिक एजुकेशन, और ये तो बहुत दिनों से चल रहा है और आने वाला 10 साल तक ये और चलेगा, लेकिन एक बात हमें मानना चाहिए, वेदर प्राइवेट पर्सन गेट्स इन टू द सर्विस आर द पब्लिक और गवर्नमेंट गेट्स इन टू द सर्विस, क्वालिटी के विषय में कॉम्प्रोमाइज ना हो, इस बात पर सरकार सुनिश्चित करना चाहिए। क्वालिटी के मापदंडों के विषय में, चाहे सरकारी स्कूल हो और चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, और इन सारे को कि हम आने वाले दिनों में गुणवत्ता के मापदंडों के विषय में जबरदस्त हम इस प्रकार के मापदंड तय करने और तय करें और सुनिश्चित करें, तब जाकर के हमारी शिक्षा नीति की व्यवस्था में सुधार आएगा। और मैं यहाँ पर आऊँगा ऐसा न सोचते हुए, किसी एक अच्छे एकेडमी के एक प्रोफेशनल ने मुझे बताया कि हमारे शिक्षा नीति में स्पोर्ट्स को और गेम्स को हम अपने मार्क सिस्टम में नहीं लाने से उसको हम इम्पॉर्टेंट नहीं मानते। हमारे जो मार्क्स की जो भी कैलेंडर अपना रिपोर्ट कार्ड होता है उसमें हम इंक्लूड ना करने से वो ऑप्शनल हो जाता है ना, जिसको रुचि है या नहीं है नहीं है। कुछ कंट्रीज में तो आर्मी का भी ट्रेनिंग कंपलसरी होता है, लेकिन व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए और व्यक्ति के संपूर्ण विकास के लिए ये जो खेल है इसको हम और अलग ढंग से सोचना चाहिए और शिक्षा नीति में इसको एक अविभाज्य हिस्सा बनाना चाहिए। मुझे लगता है इन प्रमुख बातों को मैं आज आपके सामने रखा, और भारत नीति को और भारतीय शिक्षण मंडल को मैं फिर से अभिनंदन करता हूँ। और प्रकाश जी